नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। साइना नेहवाल को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आलोचनाओं का शिकार होने वाले एक्टर सिद्धार्थ ने स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी से माफी मांग ली है। भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीत चुकी साइना नेहवाल को लेकर सिद्धार्थ ने डबल मीनिंग ट्वीट किया था। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके लिए उन्हें जमकर ट्रोल किया और राष्ट्र महिला आयोग ने भी मामले में एक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूरे विवाद को बढ़ता देख सिद्धार्थ ने साइना से माफी मांगते हुए एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा, डियर साइना, कुछ दिन पहले आपके ट्वीट के जवाब में मैंने जो मजाक किया था उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपसे कई बातों पर असहमत हो सकता हूँ, लेकिन जब मैं आपका ट्वीट पढ़ता हूँ तो मेरी निराशा या गुस्सा भी मेरे लहजे और शब्दों को सही नहीं ठहरा सकते। मैं जानता हूँ कि मुझमें इससे कहीं ज्यादा ग्रेस है। जहां तक जोक का सवाल है, अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं तो पहली बात तो ये अच्छा नहीं था, उस जोक के लिए सॉरी। इस लेटर में सिद्धार्थ ने आगे लिखा, मुझे अपने वर्ल्ड प्ले और ह्यूमर पर जोर देना चाहिए, जो कि इतना गलत इरादा नहीं था जिसके लिए लोगों ने जिम्मेदार ठहराया है। मैं एक पक्का नारीवादी सहयोगी हूँ और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे ट्वीट में कोई जेंडर निहित नहीं था और निश्चित रूप से एक महिला के रूप में आप पर हमला करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। एंड में सिद्धार्थ ने लिखा कि आप हमेशा मेरी चैंपियन रहेंगी, ईमानदारी से कह रहा हूँ, सिद्धार्थ। दरअसल सिद्धार्थ ने 6 जनवरी को नेहवाल के एक पोस्ट को रीट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने 5 जनवरी को पंजाब यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में चूक पर चिंता व्यक्त की थी। इस पर रिएक्शन देते हुए सिद्धार्थ ने आपत्तिजनक ट्वीट किया था। इस ट्वीट के बाद से ही सिद्धार्थ को चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ रही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।